तो गैस इतना धूप है ना भाई, क्या ही बताओ। ठीक है, शाम तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो ना ही कोई व्लॉग होने जा रहा है, एक्स्ट्रा मोटो व्लॉगिंग नहीं, कहीं पे जा रहा है ना कहीं पे राइड हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि गाइस ये जो मेरे पीछे आप लोग को दिख रहे हैं पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल का बीच में हूँ। यहाँ पर मैंने क्यों आया, किसी लिए ऐसा कुछ बता रहा हूँ, रुक जाओ जरा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो होने जा रहा है, ये जो गोपुर है, इस गोपुरों को आज अपना जो तालाब है, सामने एक तालाब है मेरी, ठीक है, तो उस तालाब के अंदर मैं आज गोपुरों को पानी के अंदर रखूँगा कम से कम तो आधा घंटा। उसके अंदर गोपुरों से मच्छी दिखता कि नहीं दिखता, पानी जो है बहुत ही साफ सुथरा क्लियर है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं गोपुरों को रखूँगा लगभग आधा घंटा, तो उसके अंदर मच्छी दिखता कि नहीं दिखता आज का वीडियो जो है उस भी होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो देखो तालाब कहाँ पर है, ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को यही मेरी तालाब। ठीक है, तो इसका जो चारों साइड पूरा जंगल ही जंगल था, तो एक साइड हम लोगों ने सफाई किया। ठीक है, तो जो सफाई किया मैंने उस साइड पे रखूँगा गोपुरों को, जिसके अंदर जो पानी है, पानी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। ठीक है, तो मेरा से गोपुरों से जो मच्छी है, मच्छी दिखना चाहिए, बट मैं आधा घंटा पानी के अंदर रखूँगा गोपुरों को, जिसके बाद जो मच्छी है मैं तो साइड पर घूमूंगा तो मच्छी भी जाएगा वहाँ पर, तो मच्छी दिखना चाहिए मुझे, बट आज मैं ट्राई कर रहा हूँ इस गोपुरों में तो पानी के अंदर कितना मीटर तक शो होता है, कितने मीटर तक दिखाई देता है इस गोपुरो हीरो 9 ब्लैक को। ठीक है, तो ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे एंड सुपर व्यू रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं वाइड एंगल नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं अपन तालाब के आसपास। अभी जो टाइम बज रहा है 3:30 बज चुका है। ठीक है, इवनिंग का टाइम होने वाला है, 3:30 बज चुका है यार, बहुत ही ज़्यादा धूप है यार। ठीक है, मेरा साथ पे जो मैंने चीज़ लाया वो है ये एक बैग है, साथ में मच्छी का खाना भी लाया मैंने। ठीक है, तो यही है अपना तालाब, यहाँ पे देख लो गाइस। तो ये जो तालाब है हमने साफ़ किया था एक हफ्ता पहले। ठीक है, ये सारी इस तालाब का अंदर था, तो अभी ये तालाब का जो पानी है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पानी बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर पानी है। ठीक है, तो चलो भाई हम जाएंगे उस तरफ एंड ये जो गोपुर है अभी बिना कवर में है, तो उसको मैं पहले कवर के अंदर लूँगा, इसके बाद इस पानी के अंदर रहूँगा लगभग आधा घंटा मैं बैठूँगा कि मच्छी दिखता कहीं तो वही ट्राई करूँगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारी तैयारी। तो गैस इतना धूप है ना भाई, क्या ही बताओ। ठीक है, शाम को भाई इतना धूप कहाँ से बताएं। ठीक है, तो गैस ये जो गोपुर है उसको पानी के अंदर डालने के लिए हमको चाहिए ये चीज़, तो इसको मैं लेके आ चुका हूँ। ये जो चीज़ है ये है वाटरप्रूफ, मतलब वाटरप्रूफ का केस है। ठीक है, तो ये जो गोपुर है उसको डालूँगा इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर डालूँगा। ठीक है, तो वरना भाई मेरा गोपुर मर जाएगा, पता नहीं आधा घंटा रहेगा तो भाई इसके अंदर पानी जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो उसी को टेस्ट करने के लिए आया, ये जो वाटरप्रूफ टेस्ट है ये नहीं है, लेकिन अरे मैं सिंपल एक ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई पहले तो हम गोपुर खोल लेते हैं, सब कुछ खोल लेते हैं, कपड़ा भी इसको खोलना पड़ेगा, इसको पानी में कूदना मेरे को। ठीक है, तो चलो भाई। तो सामने जो मेरे को मच्छी दिख रहा है वहाँ पे बहुत सारा मच्छी आया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी की जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरी गोपुर जो कवर था वाटरप्रूफ का उसके अंदर लग चुका है। ठीक है, वाटरप्रूफ का कवर के अंदर कुछ ऐसा नज़र है, अब मैंने कपड़ा भी खोल लिया क्योंकि भाई बनाऊंगा पानी का। तो चलो भाई चलता अपन पानी का अंदर, ये जो कवर का अंदर है। ठीक है, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत ही आवाज़ कम आएगा, तो चलो भाई चलते हम पानी के अंदर दिखाते हैं। तो गाइस हमारे जो गोपुर है देखो इसके अंदर फाइनली लग चुका है। ठीक है, ये है वाटरप्रूफ का केस। ठीक है, तो चलो भाई हम इसको पहले जुगाड़ लगाता है, क्योंकि भाई एक लकड़ी पर डालना पड़ेगा, वरना इस तालाब के अंदर भाई कैसे डालूंगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई हम चलो इसको पहले लगाता है एक लकड़ी का अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं कितना साफ पानी यार, बहुत ही साफ पानी है, पूरा क्लियर सब कुछ दिख रहा है मेरे को पानी के अंदर यहाँ से। ठीक है, तो इस गोपुर को उसके अंदर रखा तो बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। शायद मेरे हिसाब से तो यहाँ पर छोटा छोटा मच्छी है, लेकिन आपने डालेगा उसको वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा एक क्लियर, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बहुत ही साफ सुथरा होगा। यहाँ पे मच्छी भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने खाना लाया मच्छी के लिए, खाना दूंगा तो ज़रूर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो भाई मेरी पीछे आपको देख रहा है भाई सूरज भाई यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह घुमाओ तो थोड़ा क्लियरिटी मिलता है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाओ तो देखो ये जो सब कुछ धान का ज़मीन है। ठीक है, जो भी आपको देखा चारों तरफ से धान ही धान है, चारों तरफ से धान का ज़मीन है। ठीक है, चारों तरफ से कुछ भी नहीं, यहाँ पर यही तालाब है। और मेरा अपने जो बाइक है ये जंगल में दिखाया था वहाँ से, कि जंगल के उस पर ये रोड है, ये रोड है, और अपना गांव जो है वहाँ से सीधा अपना गांव है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा घर है, तो यहाँ से मैंने आया अभी। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो बड़ा वाला मच्छी आया था अभी। ठीक है, तो चलो भाई बिना देरी करके हम इसको पहले डालते हैं पानी के अंदर, इसको दिखता है भाई क्या नज़ारा मिलता है हमको, भाई क्या व्यू मिलता है। चलो भाई, तो बस यही है मेरे जुगाड़, और कुछ नहीं था मेरे पास, ये एक बड़ा सा बम्बू है भाई। ठीक है,
इससे मैंने लगा लिया इस गोप्रो को, तो उसको भी लेके जाऊंगा उस वहाँ पे, वापस सीधा उसको घान दूंगा, इसके बाद पता नहीं भाई क्या होगा। ठीक है, तो ये इतना भी और वो नहीं, हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल लग रहा है मेरे को। चलो भाई चलते हैं अपन पानी के अंदर, उसको रख के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या भाई क्या 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 चल रहा है। चलो चलो, तो कैसे बता नहीं है गोप्रो क्या होगा, आधा घंटा पानी के अंदर रहने के बाद जो भी होगा दिखा जाएगा। तो पहले अपन ट्राई करता है उसको, पता नहीं कभी मैंने ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई कर रहा है उसको। ठीक है, तो चलो भाई चले पानी के अंदर चलते, चलो उसको लेके वहाँ पे चलते हैं अपन। तो गाइस फाइनली मैं इसको वहाँ पे रख के आया, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इतना अंदर नहीं गया क्योंकि जो पानी है वो पानी ख़राब हो गया यहाँ पे, देखो यार पानी ख़राब हो गया। ठीक है, तो उसका उतना अंदर जा नहीं सकता, ये जो आपको बम्बू दिख रहा है उसको पार होकर जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं गया अंदर। ठीक है, को यहाँ पर रख के आया, तो कम्फर्टेबल से ये जो फिट नहीं हुआ। ठीक है, तो पता नहीं गिरेगा नहीं अंदर, यहाँ से तो दिख रहा है मेरे को साफ सुथरा। चलो पहले अपन खाना देता है यहाँ पर, खाना दे के मच्छी को बुलाता है, उसके बाद देखता है कि भाई कैप्चर हो पाता है नहीं पाता। ठीक है, अपना ये जो ट्रिक है मैंने खुद से लगाया, ठीक है, पता नहीं भैया सक्सेस होगा या फेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले अपन खाना रहता है पानी के अंदर। तो बस ये है कुछ खाना जो कि मैंने मच्छी के लिए लेके आया। ठीक है, ये जो खाना है ना मच्छी के बहुत ही फेवरेट है, उसको देते यहाँ पे देखना कितना सारा मच्छी आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है छोटा छोटा मच्छी बहुत है, लेकिन बड़ा मच्छी आना चाहिए तभी मज़ा आएगा। तो चलो भाई पहले मच्छी को खाना देता है यहाँ पर। बस मैं आप लोगों दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये छोटी छोटी मच्छी जो है खाना लेके भाई यहाँ पे झगड़ा लग रहा है, यहाँ पे देखो लफड़ा हो रहा है छोटा छोटा मच्छी का। ठीक है, तो बड़ा मच्छी तो मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद आएगा यहाँ पर, तो वेटिंग करते हैं अपन आधा घंटा। यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी मच्छी जो है भाई, कितना भाई लफड़ा हो रहा है यहाँ पे इन लोगों का बीच बीच में खाना लेके, देखो यहाँ पे मैं। तो कैसे वहाँ पे मेरे को बड़ा मच्छी का जो है दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाओ तो वहाँ पर देखो, अभी जो धूप है धूप वहाँ पर चला गया, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता था थोड़ा अच्छा होता था, क्योंकि दोपहर का टाइम जो धूप है सीधा आता था तो पानी के अंदर वो भी थोड़ा क्लियर होता था। ठीक है, भाई पानी के अंदर जो है थोड़ा सा काला आएगा, थोड़ा सा ब्लैक आएगा, लेकिन फिर भी कैप्चर अच्छा ही करेगा गोप्रो मेरा हिसाब से। ठीक है, तो पता नहीं बाकी क्या होगा। तो यहाँ पे तो मच्छी मेरे को दिख रहा है, तो चलो और भी हम वेटिंग करते हैं आधा घंटा, तो हो नहीं 10 मिनट हो चुका है, तो और भी 20 मिनट वेटिंग करता है। चलो भाई, तो पता नहीं वहाँ पे कौन सी बाढ़ है अभी आके गिरा है। ठीक है, ये देख लो, ये मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखो, पता नहीं ये कौन सी बाढ़ है, ब्लैक है। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसका नाम। ठीक है, तो ये अभी आप ये अभी यहाँ पे आके गिरा है। ठीक है, तो ये जो भाई मच्छी खाने का नंबर 1 है भाई, गायब हो गया ये, कहाँ पे गया ये, वो रहा वो रहा वो रहा, ये भाई ये गायब होने वाला चीज़ है भाई, अभी फिर से गायब हो गया। तो बस फाइनली आधा घंटा हो चुका मैंने यहाँ पर बैठ रहा। ठीक है, तो आधा घंटा फाइनली हो चुका है, चलो बोल चलता है वहाँ पर पानी के अंदर जाकर दिखता है कि भाई जो गोप्रो है वो आधा घंटा पानी के अंदर अभी फाइनली हो चुका है। तो पता नहीं इसके अंदर पानी गया कि नहीं गया, कैसा हाल है भाई कुछ भी पता नहीं, पानी अंदर गया तो ख़त्म, मैं तो फेल हो चुका हूँ। मेरे को लगता है कि वैसे मेरी जो ट्रिक है वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि ये जो मच्छी वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फाइनली मच्छी भी आ चुका है यहाँ पे, बहुत सारा मच्छी मेरे को दिख रहा है। तो अभी जो रिकॉर्ड है वो हो रहा है मेरे फ़ोन से। ठीक है, तो जो गोप्रो है वहाँ पे, तो उसको पहले उठाऊँगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग उसकी जो क्वालिटी आपको दिखाऊँगा पानी के अंदर कैसे कैप्चर करते हैं कि नहीं करते वो। ठीक है, तो ये जो गोप्रो है Hero 9 ब्लैक से। ठीक है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लगभग 4K 30 FPS पर, सुपर वीपर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलो भाई चलता है अपन पानी के अंदर, इसको पहले उठाता है, पता नहीं क्या हाल है। तो बस अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये 0.6x यानी कम में रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो सुपर वीपर रिकॉर्ड है, सुपर वीपर का जो कैमरा है ना उसकी क्वालिटी बेकार होती है, क्योंकि इसका जो कैमरा पीछे से उसका अंदर पानी गया था, तो ये क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। 2.1x को रिकॉर्ड होता है, लेकिन 1x का जो है ना अच्छा से कैप्चर नहीं करता, बहुत ही मतलब अपना चेहरा फुल नहीं दिखता। ठीक है, तो इसके लिए तो चलो भाई हम पहले गोप्रो को पानी के अंदर से निकालते हैं, उसके बाद अपन बात करने वाले कि भाई क्या 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 नहीं, इसका वजह क्या है, सब कुछ बताऊँगा। चलो भाई पानी के अंदर से गोप्रो पहले निकलता है। तो क्या सब कुछ ठीक है, पानी के अंदर से मैंने कैमरा निकल चुका है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चालू था, रिकॉर्डिंग ऑन ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है आप देखो पानी के अंदर, अभी पानी ठंडा है ना, तो इसलिए ये जो है इसका अंदर देखो फेड आ चुका है, वेड आ चुका है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस चीज़ का दिक्कत हुआ और कुछ नहीं, अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन था, अभी मैंने ऑफ किया। तो पता नहीं कैप्चर तो पहले निकलता है, उसको निकल कर देखता है। ये जो आप जो लेंस दिख रहे हैं कैमरा का, लेंस पे सिर्फ एक वाइट आ चुका है। ठीक है, देखो जो फेड होता है फेड आ चुका है। ठीक है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, सक्सेसफुल है। तो चलो पहले इसको निकलते हैं गोप्रो को यार।
तो गैस ये है पानी का अंदर का रिकॉर्डिंग, पानी का अंदर का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, तो ये है पानी का अंदर का वीडियो। ऊपर जब लोग खाना दिख रहा है, लेकिन मेरे को जैसा लगा था वैसा उतना भी क्लियर नहीं आया पानी का अंदर, क्योंकि पानी ठंडा है ना, स्क्रीन थोड़ा वो ग्लो हो गया, स्मूथ हो गया। ठीक है, चलो भाई हम कुछ अलग करके देखें, कुछ डिफरेंस करता है। अभी अब मैं कूदने वाला हूँ पानी के अंदर गोप्रो को लेकर। ठीक है, तो चलो भाई हम पानी के अंदर ऐसे ही कूदता है। बस ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो हो रहा है मेरी गोप्रो ऐसे ही, मैंने पानी के अंदर मतलब दुबा के दिखा था कि क्वालिटी कैसा आता है, चेक किया था मैंने। ठीक है, तो क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, देखो यार क्या क्वालिटी यार। ठीक है, इतना भी वो नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आया। तो ये देखो मच्छियाँ भी दिख रहा है आप लोग को यार, ये देखो ये मच्छी है, मतलब ये स्लो मोशन किया था मैंने। ठीक है, लास्ट पे ठीक है इसे गोप्रो लगाया था, देखो छोटा छोटा मच्छी है अंदर पे। तो गैस क्या ही कर सकता हूँ यार, कुछ करने का नहीं भाई। तो यहाँ पर देखो ये, तो मैं अभी कूदने वाला हूँ उसको गोप्रो को लेकर पानी के अंदर। चलो भाई, ओ भाई साहब, तो यहाँ पर मैंने तो एक बार कूद के निकल चुका हूँ, पानी बहुत ही ठंडा है यार। तो यहाँ पर फिर से मैं कूदने वाला हूँ पानी के अंदर। चलो भाई चलो चलो, हेलो गाइस, हेलो हेलो, आई एम अंडर द वाटर गाइस, हेलो 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 हेलो। यहाँ पर देखो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जैसा मेरे को लगा था वैसा उतना भी क्लियर नहीं है पानी के अंदर, क्या ही कर सकता है यार। ये जो पानी है ना ऊपर से तो बहुत साफ दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर इतना भी साफ नहीं। पानी के अंदर ना कुछ ऐसा मतलब ग्लो सिस्टम हो रहा है। ठीक है, पानी के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ मतलब मिट्टी जैसा उड़ रहा है। ठीक है, तो इतना भी क्लियरिटी नहीं है जैसा मेरे को लगा था वैसा नहीं है। ये देखो भाई फुल कितना मस्त लग रहा है भाई। तो यही है अपना तालाब, देख लो भाई साहब यही कर सकते हैं। अब ये देखो यार सूरज भी भाई डूबने वाला है। ठीक है, शाम का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर मैं ये रहा मेरी अपना कपड़ा वगैरह, ठीक है सब कुछ लेकर निकलने वाला है अभी। ठीक है, शाम हो चुका है, तो चलो भाई चलता है अपन। यहाँ पे देखो मेरा पूरा पानी बनी हो गया भाई, अभी घर में जाना दिक्कत होगा मेरे को, क्योंकि यार तो मेरे पापा भी फ़ोन किया था, बोल रहा था कि यार, तो मैंने बोला कि भाई यार मैं तो वीडियो बना रहा था, हो गया तो अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा मेरी एक शर्ट यहाँ पड़ा है, तो चलो उसको पहले उठाता है, इसके बाद चलता है भाई। तो ये रहा मेरा अपना बैग, छोटा सा एक बैग लेके आया था मैंने, और यही मेरी ड्रेस चप्पल वगैरह ला के आ गया था शॉर्ट ड्रेस पे। तो क्या ही कर सकता है, और गैस यही था ठीक है आज का हमारा मज़ेदार वीडियो। तो चलो गैस चलते हैं, आज के लिए इतना सही है, टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगा नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गैस।